शिव, ये शिव कहाँ हो? अंदर आइए तभी तो दिखूंगी मैं आपको। ओके ना, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ आवाज आ रही है। अच्छा, अरे बाबा थोड़ा और अंदर आओ, अंदर के रूम में आओ तभी तो दिखूंगी। अंदर की रूम में, अंदर के। ये क्या लोग बना के रखा है आज प्यारा सा? कैसी लग रही हूँ? वो आओ यार, तुमने आज मेरी फेवरेट साड़ी पहनी है, जो मुझे तुम पर बहुत अच्छी लगती है। ये क्या बात, क्या है? पानी लाओ आपके नहीं, लिए, आप वापस से आए हो। पानी नहीं है अभी, तो तुम इधर आ जाओ। पानी की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मुझे मेरी प्यास बुझ जाएंगी अभी तो। नहीं, मैं रुको रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, आप अरे आए हो बिल्कुल इधर भी के पाना लिए। है नहीं रे, रुको ना, अच्छा ठीक पानी है, नीचे, पानी नीचे। बताइए। ये क्या है यार, इतने प्यारा लुक बना के क्यों रखा है? आज कहीं जाना है, बार बार जाना है नहीं कहीं? कहाँ नहीं जाना कहीं नहीं है, की तैयारी है आज मैडम? बताऊंगी बताऊंगी धीरे धीरे सब बताऊंगी। तो कहाँ की तैयारी है? नजर नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, कोई जाना है? कहाँ जा रहे हो? नहीं अकेले अकेले कहीं जाना है? हाँ घूमने जा रही हूँ, पता जाओ ना, तो तुम आपको। टाइम पास क्यों करे? जाओ, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। जाओ 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 जाओ। सोने के लिए तो छोड़ो, तो मैं क्या कहूँ, क्या है यार, तुम्हारा जो कुछ बोलना था मूड है मुझे ना, आपसे, कुछ जो कुछ बोलना था। बोलना था, इसलिए ये सब लुक बना के रखा है, या फिर कुछ मुझे मस्का लगाया जा रहा है? मैं देख रहा हूँ, आए बरबर पानी का भी पूछ लिया। पास में तो बैठो, बैठो दो जरा, बताती हूँ ना। अच्छा, हर टाइम मैं बैठाता हूँ, मेरे पास में तुम्हें, आज तुम बैठा रहे हो, बात कुछ अलग है। अरे बाबा बैठो तो धीरज। इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना मस्का लगाओगे ना तो मैं और भाव खाने लग जाऊंगा फिर। बैठिए ना प्लीज। लो बैठ गया। अपना हाथ दो, ओके। अरे मेरी आंखों में देखो। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा हैंड होल्ड कर लूँ? तुम हाँ बोलते हो, फिर मैं थैंक यू बोलता हूँ। आज तुम मेरा हैंड होल्ड कर लिया, नहीं मेरे थैंक यू नहीं बोला। बाबा देखो तो आंखों में, देख लिया, इतनी काजल क्यों लगाई है आंखों में? किसी कैसी लग रही हूँ की आज नजर मैं, ना लगे, इसलिए जैसे कैसी लग रही हूँ? हर टाइम लगते हो, इतने प्यारे लगते हो, इतने प्यारे लगते हो। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बोलते थे, तुम्हारा निक नाम था ना परी, वैसे तुम आज लग रहे हो मुझे। क्या अच्छा मुझे आपसे ना कुछ कहना है। कहना है यार आपको? ना कुछ कहो मत यार, तुम्हें आंखों में देखते देखते मुझे इतना प्यार नजर आ रहा है ना, मैं क्या ही बोल रहा है। तोबा, ये तुम्हारी लाइन थी, वरना मैंने चुरा ली। सुनो तो कुछ पापा, सुनना ही नहीं होता है आपने। नहीं, इधर आओ तो यार, पहले मुझे ना एक पप्पी ले लो, बाद में देखते क्या है तुम। ले लो। अब बोलो। अब बोलो क्या है मुझे ना तुम्हें ना, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें कोई शॉपिंग करनी होती तो तुम्हारे पास पैसे है, ठीक है? शॉपिंग तो करनी नहीं, सीधी सी बात है। कहीं घूमने जाना हो तो तुम्हें मैं कहीं भी परमिशन दे देता हूँ। ये बात के लिए भी तुम मक्खन नहीं लगा रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें मक्खन किस चीज को लगाने की जरूरत पड़ गई, जब मैं एक ही बार में तुम्हें हाँ बोल देता हूँ कोई भी चीज को लेकर? बाबा मैं मक्खन नहीं लगा रही हूँ आपको, कुछ बात करनी थी आपसे। ये मक्खन ही लगाना चालू है, मैं देख रहा हूँ जब से। तो बाबा सुनो तो, बोलो ना, धीरज मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात है। तो हाँ पापा आप सुन ही इस नहीं रहे हो। तो ये चीज के लिए इतना सजना धजना जरूरी था? मेरा हैंड होल्ड करना जरूरी था? अच्छा इधर आओ, मैं आपको हग करती हूँ, तो आओ इधर आओ। खुद खुद ही हो रही है। तो अब तो सुनो। ऐसे हक करके बताओगे या फिर हक कर छोड़ दो ना? चलो छोड़ देती हूँ, आंखों में देख के बताती हूँ। ओके चलो बताओ ना, मुझे भी तो बड़ा हैंड होल्ड करने दो। ओके थैंक यू, चलो बताओ बताओ वेलकम। भी। तो मुझे ना शर्म आ रही है थोड़ी सी बताने में, बट ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता है, इतना क्या शर्मा रहे हो? नई दुल्हन की तरह तो नहीं शर्मा रहे, जैसे सुहागरात के दिन इतना अच्छा शर्मा रहे ठीक है थे ना, मैं आपको वैसे बताती आज? हूँ बताती हूँ, सुनो सुनो। नहीं, पहले ना मेरी एक बात सुनो। मुझे तो वैसे फील हो रहा है जैसे सुहागरात थी ना फर्स्ट टाइम, मुझे तो वैसे फील हो रहा है। अरे बाबा आप कुछ भी सोचते हो, सुनो तो। तो बताओ ना। आप और मैं
मेरे को ना एक सॉन्ग याद आ गया, मैं सुना दूं पहले? तुमने हाँ सुनाओ। बोला आप तुम, मैं आप तुम नहीं, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। लाइट भी बंद हो, दरवाजा भी बंद हो। ओ भाई साहब क्या हो गया इस लड़की को, तुमने तो चाबी भी घुमा दी हल्के भी। तो बात बतानी है फिर, तो बात बतानी होगी तो बता दो, वरना पेट में ना चूहे कूद रहे, जैसे बता रहा हूँ मुझे ना फ्रेश होने दो, अपना खाना खाने के बाद बात करते हैं, ठीक है? हो थीके? जाना ना। नहीं, मुझे भी बात करनी है। वैसे तो बड़ा लौटते हो यार, बाथरूम में जाओ फ्रेश हो जाओ, बाथरूम में जाओ फ्रेश हो जाओ, ये बात नहीं हुई आज, तो आज तो कोई फिक्र सुनती नहीं है। है, सुनो ना प्लीज। ओके ना बोलो ना, इतने प्यार से बोलोंगे तो कोई नहीं मानेगा यहाँ, तो मैं तो बस मर जाऊँ। एक तो आप इतना प्यारा लग रहे हो आज, पता है कितने क्यूट लग रहे हो आप। बाप रे बाप, ऑफिस से आया मैं और मैं क्यूट लग रहा हूँ? मैं क्यूट लग रहा हूँ? मैं ऑफिस से अभी आया हूँ, सारा दिन से मेरा लुक बिगड़ा हुआ है, अगर नहीं, से फ्रेश इतने तो होने। प्यारे लग रहे हो आप, देख लो अभी आपको। अच्छा कोई भी लड़की अच्छा फिदा हो जी, जाए आपके ऊपर, इतने प्यारे लग अच्छा रहे हो। इतनी तारीफ इसलिए हो रही है कि बहुत, तो अब तुम्हारा इतना बड़ा कोई काम है ना, सच में। तुम्हारा बहुत बड़ा काम है इसलिए इतनी बातें आ रही है, तो सुना दो ना। मैं ये बोल रही थी कि हमारी शादी को काफी टाइम हो चुका है ना, हाँ यार और 1.5 साल होते आ गया, बाबा सुनना नहीं होता आपने। ठीक है मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं हूँ करूंगा, ठीक है? तो देखो इतना टाइम हो गया है, आप भी मुझसे थोड़ा दूर दूर रहते हो। मैं ये सोच रही थी ना कि अब इस घर में छोटा सा कोई मेहमान आ जाना क्या क्या चाहिए। ओके, मेहमान लाना है? अरे यार मेहमान का तुम बोलते हो, ठीक है ना, मैं ना वो जो नानी है ना हमारी जो गांव में रहती है उन्हें बुला लेता हूँ, तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम्हें अकेला महसूस नहीं होगा, ठीक है? इतनी सी बात है यार पागल हर, धीरज हटो यार मजाक यहाँ से नहीं खाना। कर, धीरज मजाक नहीं कर रही हूँ। सुनो तो बाबा, वो नहीं, वो मेहमान नहीं लाना है बाहर से। तुमने तो बोला छोटा सा मेहमान, छोटा सा मेहमान तो वो नानी है, छोटी बाबा सी उनकी हाइट है। सुनो, छोटा सा कोई नन्ना सा क्लियर बात बोल दो, वरना वैसे मेरी समझ में नहीं आएंगी कोई बात, बहुत बुद्धू हूँ मैं, पता है ना आई वॉन्ट बेबी। क्या? क्या हाँ, सीरियसली? मुझे बच्चा चाहिए। आई वॉन्ट बीवी, तुमने तुम्हारे मुंह से लाइन बोली आज सच में? हाँ पापा, मैं ही बोल रही हूँ, कोई और नहीं बोला। धीरज, शिव थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ आज कि क्यों बाबा आप इतने खुश हो वैसे? तुम मान चुके हो यार बेबी के लिए, और वो भी खुद से मुझे आकर बोल रहे हो। तुमने 2 साल बोला था यार, आज तो 1.5 साल हो गए, मैं 6 मंथ से वेट कर रहा था कि 6 मंथ कब जाते, 6 मंथ कब जाते, लेकिन तुमने मुझे आज ये बात लाकर बोल दी। समझना होता है ना, छोटा सा मेहमान बोला था मैंने। ये क्या होता है, मैं नानी को उठा लाता हूँ घर पे। मुझे तो वो आएंगे ना, मुझे तो ऐसे थॉट्स आएंगे ना, तुम्हारा माइंड थोड़ी ना चलता है ऐसी चीजों में, लेकिन इधर आओ ना तुम, एक हक तो बनता है, इधर आओ। क्या है बाबा? उठो एक मिनट, मेरी आईज में देखो तुम, मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया कि अपने में बेबी होना चाहिए, छोटा सा प्यारा सा, वरना 2 साल से तो कितना के कुछ क्या कर लिया तुमने तो, मतलब आप ऑफिस चले जाते हो, फिर मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई परेशान करने वाला आ जाए। तो इतनी आसान नहीं होगा, समझ रहे हो आप? पता आपको है, कितना 9 महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिससे आप इतना डर रहे थे वो चीज के लिए डर रहे थे आप, पता है आपको ये बात, पता है, इसलिए आपने मुझे अभी तक मना करते गए, मना करते गए, मना करते गए। अब मैंने बोल दिया ना, बाप भाव खाओगे, मुझे पता ही था यही होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, मैं तो आज ही फुल रेडी हूँ, मैं तो बस, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ, सीरियसली, मतलब यार तुमने सोच लिया कि बहुत अच्छा लगा यार मुझे, शिव थैंक मतलब यू। इतना इतना सज धज के मैं बैठी हुई थी, ऐसे थोड़ी बैठी हुई होगी, दिमाग लगाना होता है पागल।
मेरे में कहाँ दिमाग है, मुझे लगा तुम ना आज भी खाने का दिल हो तो कहीं बाहर खाना खाने लेके जा रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा, बस मैं तो फालतू टाइम पास कर रहा था आपके साथ। अच्छा, जब मैंने ये बोला नन्हा सा मेहमान, तो आपके दिमाग में यही आया था सच में या फिर नहीं, मेरे दिमाग में आया नन्ना सा मेहमान, मीन्स वो नानी भी नन्नी सी है, मतलब छोटी सी हाइट है उनकी तो मैंने सोच लिया, मतलब पता नहीं नानी की याद आ रही होंगी मैडम को हमारे, तो फिर लेकर आते हैं। अच्छा, आपका दिमाग वहां पे नहीं गया? मैं इतने प्यार से बोल रही थी, मैंने कहा मेरा दिमाग ऐसी फालतू चीजों में नहीं जाता, आपको पता है बात। ये फालतू चीज होती है। नहीं, सॉरी, मेरे मेरे मैं वर्ड्स वापस लेता हूँ, सॉरी। मुझे आप क्या बोल रहे हो धीरज, ये फालतू चीज होती है। सॉरी ना, अब मूड खराब नहीं करना, सॉरी ना। हाँ, आप मूड खराब कर रहे हो फिर। नहीं तो नहीं, तो खाना खाना है या फिर अपन और सब खाना खाने के बाद तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आज दिन की छुट्टी निकाल लेता हूँ ऑफिस से, कहीं चलते हैं मस्त लॉन्ग ड्राइव पर वो आज सब दिन के लिए। मैंने देख लिया कहाँ पे जाना। तुमने सब डिसाइड कर लिया है? क्योंकि तुम्हें पता था धीरज तो मना करेगा नहीं इस चीज को लेकर, क्योंकि मैं ना 2 दिन 2 साल मतलब 1.5 साल हो गया यार बोल रहा हूँ कब से, लेकिन तुम्हें तो 2 साल ही चाहिए थी कि नहीं धीरज यार 2 साल टाइम है, 2 साल टाइम है, पहले अपन इंजॉय कर लेंगे, पहले अपन इंजॉय कर लेंगे, तो कितना इंजॉय कर लिया ना अपना। बेबी चाहिए यार, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और मुझे भी आपको पापा पता बनना है। है, मैंने ना आज रात का भी कुछ सोचा है। अच्छा, आज रात का भी कुछ ना कुछ प्लानिंग है? अरे बाबा, आप ऐसा करोगे तुम फिर। नहीं, ठीक है ठीक है, मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाऊंगा, चलो आप बताओ। खाना खाते हैं, आप रेडी हो ओके okay. जाना। मैं तो हूँ ही, मुझे तो बनना ही नहीं है, है ना। और मैंने मम्मी को बोल दिया है, और आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। हाँ जी, बाहर वैसे बाहर नहीं, एक नाइट के लिए कहीं चलते हैं। तो पागल घर पर क्या बताएंगे, पुलिस चेक करने लग जाएगा। बोल दिया मैंने मम्मी को तुमने क्या बताया? कि शादी में जाना है। तुम ना तुम्हारा बड़ा दिमाग चलाते हो यार, इसलिए तुम तैयार हो गए, खुद तैयार हो गए, मेरे तो कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे को तो भाई बिना ऑफिस से नहाए, मतलब अच्छा, बिना ऑफिस देखो से देखो फ्रेश देखो तक नहीं हुआ, देखो मुझे वैसे क्यूट बना दिया। क्या देखो तो बाबा, आपके है? साइड में देखो, आपके कपड़े तैयार रखे हुए, नहीं दिखे आपको? सब रेडी रख रखा है, अब वो देखो, आपके शूज भी रेडी है, सब तो कुछ मैं ऐसे रेडी है। बोला था आज के दिन वेट कर लेते, कल तो फिर मैं कल ऑफिस से छुट्टी मंगवा लूंगा, परसों के दिन अपन चलते। सब वो सब बाद में चलेंगे, आज कहीं और जाने का प्लान है। डिसाइड कर लिया है? हाँ, बुक भी कर दिया है। तुम बहुत तो ना मतलब इतनी चालाक हो ना, तुम्हें पता है धीरज का मूड कितना भी खराब क्यों ना रहो, धीरज कितना भी नाराज क्यों ना रहो, मैं धीरज को कुछ भी बोल दूं धीरज तो मना नहीं करेगा। पता है मुझे, आपने ये नहीं पूछा कहाँ जाना है। नहीं, मैं क्यों पूछूं जब मुझे पता है तुम इतनी टैलेंटेड हो कि तुमने अच्छी जगह ही बुक की होंगी, और तुम मुझे अच्छी जगह ही लेकर जाओगे, तो फिर जहाँ मैं करना है तुम पे वो तो आ पूछो, पूछो तो तो क्या कहा, प्लान किया मैंने। तो बताओ ना क्या प्लान किया है। ठीक, अपन डिनर करेंगे, ठीक है? पक्का? हाँ अभी घर पे डिनर करके जाएगी, क्योंकि फिर शक होगा सबको, है ना। हाँ, फिर डिनर मम्मा सोचेंगी कि शादी में खाना खाकर कौन जाता है। नहीं, वो नहीं पूछी, उन्होंने बोला है। वो मैंने बोला है कि कहीं हमें लंबे रूट्स पे जाना है शादी में, और हम सुबह तक आएंगे, तो उन्होंने बोला खाना खा के जाना। बड़े ना तुम ना, इतने टैलेंटेड कैसे भी। चलो तुम प्लानिंग बताओ फटफट, ठीक है, हम डिनर करेंगे अभी अब मुझसे थोड़ा वेट थोड़ा। नहीं हो रहा है, सुनो बाबा, जल्दी अब आपको सुनना नहीं बताओ ना, आता, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो मेरी बातें सुनो पहले। जल्दी से बताओ ना, फिर चलना है बस आपको ना, तो मौका चाहिए होता है रोमांटिक होने का, सुनना होता नहीं है। तो फिर तुम्हारा मूड बन रहा है ना कि मेरा बन रहा है। बेबी तुम्हें चाहिए ना कि मुझे अच्छा, चाहिए? आपको नहीं चाहिए? अच्छा, बेबी मुझे करना है। नहीं, मैं अकेले कर लूंगी, रहने दो आप, मैं अकेले चले जाती हूँ। तुम जाओ अकेले ट्राई कर लेना क्या करना है, तो नहीं ठीक नहीं धीरज सुनो है। चलो ना, बताओ ना फिर। डिनर करेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करना, ठीक है? फिर हम मैंने एक होटल में रूम बुक किया है, ओके हनीमून बुक।
वहाँ कि ज्यादा पे दूर नहीं ना अपने यहाँ से ना, फिर ड्राइव करते करते थक जाएंगे इंसान तो फिर कैसे यार। नहीं, ड्राइव भी नहीं करना है आपको, वो सब मैंने बुक किया हुआ है। ये भाई तुम क्या हो, तुम हो क्या सुनो ना बाबा सुनो, बताओ ना। हम वहाँ पे जाएंगे, बस अपना एक एक बियर लेंगे, रोमांटिक डेट करेंगे। ये ना संस्कारी वाइफ नहीं सुनो है बाबा, संस्कारी को साइड में रखते हैं, सुनो। अच्छा अभी ना एक सेकंड मेरी बात सुनो, अपने लास्ट टाइम मुझे याद है एक साल का साथ में ड्रिंक की राइट, उसके बाद तुमने मुझ पर चिल्लाया था कि धीरज आज के बाद ऐसे नाम नहीं निकालना, लेकिन आप तो मुझे खुद सामने से बोल रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, मुझे किडनैप वगैरह तो नहीं करना है ना आपको। अब मैं आपको ओके रोमांटिक बना रही हूँ तो आपको बनना नहीं होता है। मैं बन जाती हूँ तो आप भी बोलते हो ये है वो है, और नहीं बनती हूँ तो फिर बोलते हो आपको तो मोड़ी बनाना चलो नहीं आता। चलो बताना है या नहीं बताना है, फिर सुनो तो बाबा, वही तो बता रही हूँ। तो बताओ ना। फिर एक रोमांटिक सी डेट करेंगे, उसके बाद रूम में जाएंगे। रहने दो मुझे यहाँ ही सारा फील ले लेना, जाओ यार तुम यहाँ से उठो, मुझे कपड़े पहनने दो, मुझे बड़ा वेट हो रहा है, तुम जाओ ना जाओ जल्दी, नहीं मैं नहीं उठती, मैं तो यहीं पे बैठूंगी, आपकी गोदी में बैठूंगी। अब नहीं मैं उठ कपड़े कैसे चेंज करूंगा फिर, रही, नहीं उठ रही मैं, जाओ नहीं उठना। तो मैं कपड़े कैसे चेंज करूंगा फिर। बात ही नहीं सुनोगे तो उठूंगी नहीं मैं आपके पास से। चलो ठीक है मैं ऐसे चल रहा हूँ फिर ड्राइवर बन के, कोई बोलेगा कि देख लो मैडम आपके ड्राइवर को बोल दो आप साइड में हट जाओ आप चलो, ऐसे ऐसे लेके नहीं बोलेगा जाऊंगी कोई, मैं, ऐसे लेके नहीं जाऊंगी। वही बोल रहा हूँ ऐसे चल लूंगा, नहीं तो फिर मैं मुझे नहीं बोलना ठीक है मैं करूं आपको तैयार आज? मुझे, तो रुको ना 5 मिनट मुझे कपड़े पहनने तो फिर तैयार कर लेना, तुम्हारा तैयार करना क्या होता है तो। अच्छा शर्ट मैं बनाती हूँ और सब आप पहन लो। ये हाथ कहाँ जा रहा है बटन उतराने से, अभी से क्या बात अच्छा है ठीक भाई, आज तो मतलब मैंने ना आज किसका चेहरा देख लिया था पता नहीं, मैं पागल हो गई, हाय रब्बा ये जरूर क्या, जरूर आपका चेहरा दिखाऊंगा मेरा चेहरा देखते ना फिर तुम लाल होते हुए आते, तेले रेडी होती चलो हमारी। चलो बट से लेट नहीं हो रहा है। अच्छा मैं आगे बंद कर रही हूँ, आप जल्दी चेंज करो, यही बैठी हूँ मैं। किया हाय रब्बा ये अलग है। ये मेरे काम तुम कब से करने लगे, नहीं मैंने, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये तुम ना बहुत बेशर्म हो गए हो आजकल, तुम्हारे पापा को कॉल करना पड़ेगा, लड़की गई हाथ से। अच्छा वैसे अच्छे लग रहे हो। ही हूँ मैं, थोड़ी जिम में ज्वाइन करानी पड़ेगी मुझे बस, बाकी कुछ हो नहीं, गया, खोलो। वैसे खुले थे तुम्हारे आखिर अंदर, नौटंकी मत करो चलो चलो चलो, मैं बात बात में से आता हूँ थोड़ा सा फ्रेश होकर है ना, अब तो जाओगे आप, मैंने अब देख लिया, अब कहाँ जा रहे हो, अब तो देख ही लिया सब कुछ। फ्रेश हो जाऊँ या वैसे चलो फिर, अच्छा चेहरे पर ठीक थोड़ा है, पानी वानी तो मारना पड़ेगा अच्छा या ठीक वैसे है चल लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक काम करो, आप ना फ्रेश होके आओ, मैं इतना डिनर लेके आती हूँ, फिर फटाफट करके निकलते हैं। ओके चलो फटाफट काम कर लो, मम्मा को शक नहीं होने देना। जाओ ना नीचे, क्या टाइम पास कर रहे हो तुम, जाओ वहां से। आप भी जाओ।